अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शमा कुकिंग चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं सिंपली तरीके से हक्का नूडल्स। बहुत ही मज़े के हैं, बहुत ही इजी हैं, खाने में बहुत ही ज़्यादा लजीज हैं। एक बार ज़रूर ट्राई करें आप। चलिए आपको हम बता दें इसकी रेसिपी बनाना। चलिए देख लेते हैं मैंने क्या क्या इसमें इंग्रेडिएंट्स को ऐड किया है, शामिल किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त को ज़ाया किए हुए। यहाँ मैंने लिया है कढ़ाई, उसमें डाला है ऑयल 3 टेबलस्पून, प्रीहीट हो चुका है, 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट, 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट को डाल के 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से हम इसे सॉटे करेंगे। ये अच्छे से हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चॉप्ड स्लाइस की हुई अनियन और इसे हम थोड़ा सा ट्रांसलूशन होने देंगे। ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तो हम नेक्स्ट मटेरियल को इसमें ऐड करेंगे। बस ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 टमाटो कट किया हुआ स्लाइस में डाल देंगे और इसे भी हम थोड़ा सा सॉफ्ट होने देंगे। टमाटो भी अच्छे से हमारा सॉफ्ट हो चुका है, टमाटो केचप डाल देंगे 3 से 4 टेबलस्पून। यहाँ मैंने सॉस रेडी किया है, विनेगर लिया है, सोया सॉस और ग्रीन चिली सॉस 1 टेबलस्पून लिया है तीनों चीज़ों को मैंने। नमक ले लेंगे टेस्ट के मुताबिक और गरम मसाला पाउडर, टर्मरिक पाउडर 1/2 टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और हम ये कढ़ाई में ये पेस्ट को डाल देंगे। इस स्टेज में मेरा कैमरा ऑफ हो गया था तो मैंने शूट नहीं कर पाया। डालने के बाद सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। हरी मिर्च को भी मैंने डाल दिया था स्लाइस में कट करके। यहाँ मैंने नूडल्स लिया है, इसे मैंने बॉईल कर लिया है और इसमें अब हम डाल देंगे बारी बारी करके। और सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से अब हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने मिक्स कर लिया है। ऊपर से हम डालेंगे चिली फ्लेक्स डाल देंगे। बस ये रेडी है, मिक्स कर लें अच्छे से। बस ये रेडी है, सर्व कर लें आप। बहुत ही मज़े के हैं, सिंपली तरीके से मैंने बनाया है हक्का नूडल्स। रेडी है, सभी को बहुत पसंद आएंगे। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी हक्का नूडल्स की रेसिपी अच्छी लगती है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करें, इससे जो हमारी हर न्यू वीडियोस हैं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। चलिए चलती हूँ, मिलूंगी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।